उतंग का सर्प यज्ञ के लिए जन्मेजय को प्रोत्साहन देना। उग्र शिवाजी कहती हस्तिनापुर में शीघ्र पहुंचकर विप्रवर उतंक राजा जन्मेजय से मिले। जन्मेजय पहले तक्षशिला गए थे, वे वहां जाकर पूर्ण विजय पा चुके थे। उतंक ने मंत्रियों से घिरे हुए उत्तम विजय से संपन्न राजा जन्मेजय को देखकर पहले उन्हें न्यायपूर्वक जय संबंधी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा। उतंक बोली, नृपश्रेष्ठ, जहाँ तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित हो, वहाँ अज्ञानवश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो। उग्र शिवाजी कहती है, विप्रवर उतंक के ऐसा कहने पर राजा जन्मेजय उन दुःश्रेष्ठ का विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा। जन्मेजय बोले, ब्रह्म, मैं इन प्रजाओं की रक्षा द्वारा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ। बताइए, आज मेरे करने योग्य कौन सा कार्य उपस्थित है जिसके कारण आप यहाँ पधारे हैं? उग्र शिवाजी कहती है, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय के इस प्रकार कहने पर पुण्य आत्माओं में अग्रगण विप्रवर उतंक ने उन उदार हृदय वाले नरेश से कहा, महाराज, वह कार्य मेरा नहीं आपका ही है, आप उसे अवश्य कीजिए। इतना कहकर उतंक फिर बोले, भोपाल शिरोमणि नागराज तक्षक ने आपके पिता की हत्या की है, अतः आप उस दुरात्मा सर्प से उसका बदला लीजिए। मैं समझता हूँ शत्रु नाशन कार्य की सिद्धि के लिए जो सर्प यज्ञ रूप कर्म शास्त्र में देखा गया है उसके अनुष्ठान का ये उचित अवसर प्राप्त हुआ है, अतः राजन, अपने महात्मा पिता की मृत्यु का बदला आप अवश्य लें। यद्यपि आपके पिता महाराज परीक्षित ने कोई अपराध नहीं किया था, तो भी उस दुष्टात्मा सर्प ने उन्हें डस लिया और वे वज्र के मारे हुए वृक्ष के भांति तुरंत गिर कर काल के गाल में चली गई। सर्पों में अधम तक्षक अपने बल के घमंड से उन्मत्त रहता है। उस पापी ने यह बड़ा भारी अनुचित कर्म किया जो आपके पिता को डस लिया। वे महाराज परीक्षित राज ऋषियों के वंश की रक्षा करने वाली और देवताओं के समान तेजस्वी थे। काश्यप नामक एक ब्राह्मण आपके पिता की रक्षा करने के लिए उनके पास आना चाहते थे, किंतु उस पापाचारी ने उन्हें लौटा दिया। अतः महाराज, आप सर्प यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को होम दीजिए और जल्दी से जल्दी ये कार्य कर डालिए। ऐसा करके आप अपने पिता की मृत्यु का बदला चुका सकेंगे एवं मेरा भी अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। समूची पृथ्वी का पालन करने वाले नरेश तक्षक बड़ा दुरात्मा है। पाप रहित महाराज, मैं गुरु जी के लिए एक कार्य करने जा रहा था जिसमें उस दुष्ट ने बहुत बड़ा विघ्न डाल दिया था। उग्र शिवाजी कहती है, महर्षि, ये समाचार सुनकर राजा जन्मेजय तक्षक पर कुपित हो उठे। उतंक के वाक्य ने उनकी क्रोधाग्नि में घी का काम किया। जैसे घी की आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वे क्रोध से अत्यंत कुपित हो गए। उस समय राजा जन्मेजय ने अत्यंत दुखी होकर उतंक के निकट ही मंत्रियों से पिता के स्वर्ग गमन का समाचार पूछा। उतंक के मुख से जिस समय उन्होंने पिता के मरने की बात सुनी, उसी समय वे महाराज दुख और शोक में डूब गए।